आप सही हैं, कैमरा पकड़ो, अगर मामा की हेल्प ही करा थोड़ा सा, एक मिनट क्यों नहीं आ रहा है असलामुअलैकुम। आप लोगों को तो पता है कि ये मामा का चैनल है, मेरा अपना चैनल नहीं है, तो जो मैंने शटरले प्रैंक्स प्रूंग्स करने वो मैं मामा के साथ इस चैनल पे करूंगी और मैं दूसरे को सपोर्ट करूंगी बिल्कुल, क्योंकि हम तो हैं मामा को तंग करने के लिए इस दुनिया में। आज का हमारा प्रैंक क्या है? आज रुशा ने करना जी मामा और पापा दोनों पे फेंट प्रैंक। ठीक है, रुशा थोड़ी सी प्रिटेंड करेगी, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा था यूट्यूब पे, तो रुशा जो है वो प्रिटेंड करेगी कि मामा मेरी तबीयत खराब है, फिर थोड़ी सी बेहोशी की एक्टिंग करेगी, फिर इन्हें मामा लोगों से पता चल जाएगा तो रुशा को थोड़ी सी मार पड़ जाएगी, तो हमारी जो जिंदगी का मकसद है ना हमसे आ गया। पापा भी आ गए, पापा भी आ गए, चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मामा भी आ गई, हमजा भी आ गए, पापा भी आ गए, मामा पापा दोनों कमरे मामा में, मामा अपने रूम में चली गई हैं, तो हम माशाल्लाह उनके रूम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं मामा को तो आवाज आ रही है। लेकिन हाँ, बस मैं छू ना कैमरा बना के मैं वीडियो बनाऊंगी छुप छुप के, ठीक है ना, और रुशा ने थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, देखते हैं मामा का क्या रिएक्शन होता है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए थंबनेल अच्छा बन जाए ना गाइस। नहीं बेटा इतनी देर तो मेरे से एक्टिंग नहीं, मेरी तो हंसी निकल आनी है। मार दी टिश्यू तो उठा लो अपने साथ, ज्यादा ऑब्वियस तो नहीं है कैमरा? नहीं बेटा ऐसे नहीं किया। टी-शर्ट का भी इधर ही कर दिए माशाल्लाह बैठ के पर रुशा। क्यों क्या हुआ? खाना गर्म करो। ऐसा करती मैं बर्तन धो दें थोड़े से, मैं अभी आपके लिए ना खाना गर्म करती हूँ। चलो बैठो, मैं ना अभी खाना गर्म करती हूँ, बर्तन धो लूँ मैं बस। ठीक है, उधर पीछे होकर रेस्ट करो, हम सब बहना का साथ पाओ। ब्राउनी ले आए आपके लिए? ब्राउनी ले आए, ब्राउनी ले आए, कपड़े ले आए, कुछ अच्छा सूट ले आए। फिर ऐसा है कि आप तैयारी करो, कल स्कूल छोड़ आता हूँ, फिर आपको फिर रुशा का बीपी ठीक हो जाएगा। रुशा की वाकई तबीयत खराब है, नहीं तो वो इस तरह नहीं करती, ब्राउनी के ऊपर वो ओके हो जाती है फौरन, वो फौरन मान लेती है। बस मैं खाना गर्म कर रही हूँ, एक मिनट सुबह से तुमने ज्यादा तो नहीं खा लिया कुरान पानी में? मामा उसके सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। आज उसे खाना खा लो। आप सही हैं, कैमरा पकड़ो, अगर मामा की हेल्प ही करा दें, ये इसके कुछ कर दें, नहीं तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। ले ले बाबा, स्ट्राइक में नंबर चार है, थोड़ा सा एक मिनट क्यों नहीं आ रही इसे मामा? पता नहीं इसका मेरा ख्याल है पीपी लो हुआ होने, इनको डाइटिंग जो है ना ये इनको नहीं सांस लेने। वो कौन डाइटिंग करती है? करती रहती है, खाना उसने सुबह का नहीं खाया। वो पराठा करे खा लेना तो सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। सही बात है, फिर हम होते हैं कॉफी से ब्राइट नंबर चार के पीना होता है, पीना होता है। अच्छा तुम सही पे और सोए तुम्हारे डॉक्टर ने भी मुकरस का चावल खाने को भी दिल नहीं है। नहीं तो आज क्या रही है ये आंसर ही है? मुझे पता है, तो मैंने पर उसने जो किया था ना आज फिर वही कर रही है, कैमरा में देख के हाथ हिला दे मामा, डॉक्टर को काट देना, कैमरा में देख के हाथ हिला दे मामा पापा। जब से तुम्हारा चैनल बनाना है ये आपके चैनल के लिए रुशा ने ब्लॉग बनवाया, आज कल सारे बच्चे करते हैं माँ बाप को परेशान किया। बस कर दो रुशा, नहीं कहते ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी तक इसका कोक पीने का दिन है। देख रहे रुजा तो इतना सॉलिड गिरी थी ना हंसी ही मेरी रुक गई, पापा इधर से ऐसे भाग के गए, पापा तो मैं देख भी रहे हैं। नहीं मुझे बहुत बुरा मेरा गंदा दिन ना हो लगा, तो मैं खुद भी पानी पी रही थी, फिर मैंने सारे बच्चे ये हिल रही थी, मुझे लगा कि शायद ना वो बीपी इसका लो हो गया तो काम पर वाइब्रेशन पे लग गई है, वाइब्रेशन पे, वो तुम हंस रही थी इसी जैसे सारे मुंह पे बाहर।
उधर से तुम लोगों ने प्रैंक शुरू किए हुए हैं, उधर से तुम लोगों ने मुझे तंग किया हुआ है, वो थोड़ा सा साथ ही गिर गई, शुक्र करो कोई हड्डी वगैरह पे चोट नहीं लगी। ऐसे एक बार जब भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना था मैंने, हमारे बेस इस तो नहीं गिर गई, नहीं पापा बोल रहे वाह भाई, पापा कह रहे हैं वाह भाई वाह, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ना, ऐसे प्रैंक ना करो कोई, ये छोटे मोटे केचप टूथपेस्ट वाले प्रैंक और मोबाइल बंद कर दे और थोड़ी बहुत वो वाले प्रैंक कर लो, वो फिर भी बारा खाते हैं। और गाइस हमने मामा के साथ भी हमने प्रैंक्स किए, वो आप लोगों को आपके भी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि आज हमने मामा के साथ और मामा को तंग मजीद सारा दिन ये मुझे तंग करती है, वो कह रही है इससे पहले ये प्रैंक बेहोश होने का किया है, मलाइका ने लहदा मुझे तंग किया, उसने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया, पता नहीं उसने मुझे क्या क्या किया, एंड पे मैं तंग आ गई, मैं कमरे में चली गई, मैं बल्कि हमजा को लेके बाहर चली गई। हमजा हमारा इतना प्रैंक्स एंजॉय करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे ही है ना, मुझे हमजा बहुत आता है, इनको माँ को तंग करके मजा आता है। आजकल की जो माएँ हैं वो तो ये समझ सकती हैं कि आजकल की औलाद को सिर्फ माओं को तंग करके मजा आता है, इतना ये हंसा है, इसने इतना एंजॉय किया है कि अरुषा ने इस तरह का प्रैंक किया, पापा को भी कह रहा था, कहता पापा परेशान हो गए थे, मैंने कहा अरुषा तुम किसी दिन सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई तो हम तो मानेंगे नहीं यार, हम समझेंगे कि तुम तो प्रैंक ही कर रही हो। चले कोई बात नहीं, ऐसी रौनक घर में जो है वो लगी रहती है, और अरुषा को ये था कि ये आजकल जो है वो बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है तो मैंने ये वाला प्रैंक तो करना ही करना है। और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, रह तो बस एक महीना गया है लेकिन यकीन करेगा इंसान की ना अंदर से बाहर से बस हो गई है कि अल्लाह बस ही हो जाए कि ये अब मतलब बंदा थक गया है इसकी वजह से ना, गर्मी की वजह से। और जो माएँ ज़ाहिर है कुकिंग करती हैं उनको हैट्स ऑफ, वो इतनी गर्मी में कुकिंग कर लेती हैं और ज़ाहिर है वो इतना मतलब काम वगैरह कैसे मैनेज कर लेती हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें, इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।